स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उस दिन हमने दो केस किए थे। दो केस कौन कौन से किए थे हमने? पहला केस था हमारे पास कौन सा, कि गुडविल पेड इन प्राइवेटली, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में। उसके बाद हमने किया था गुडविल ब्रिंग इन कैश, अगर गुडविल कैश में आ रही है और अगर वो पैसा विड्रॉन हो रहा है, अगर वो पैसा पार्शली विड्रॉन हो रहा है या फिर वो पैसा विड्रॉन नहीं हो रहा। तो मैंने ये दोनों केस आपको करवाए थे। अब हमारा केस है केस नंबर थर्ड, गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश और गुडविल ब्रिंग इन काइंड, मतलब गुडविल इन काइंड। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर गुडविल कैश में नहीं आए, अगर गुडविल कैश में ना आए तो हमने क्या करना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो सबसे पहले मान लो अगर ए एंड बी आर पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एज ए न्यू पार्टनर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1. सी ब्रॉट ₹2,50,000 फॉर हिज कैपिटल बट could not bring his share for goodwill. ₹10,000 in cash pass necessary journal entry cha pass journal एंट्रीज। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स दो पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो क्या थी, जिनकी रेशियो थी 3:1। 3:1 के बाद उन्होंने सी को ऐड किया और सी को ऐड करने के बाद उनकी रेशियो बन गई 2:1:1। और सी ने क्या किया, 2,50,000 कैपिटल लेकर आया, लेकिन वो गुडविल नहीं लेकर आया। तो सबसे पहली जो हमारी एंट्री है, हम क्या डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और हमने साथ में ही यहां पर किया था टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल तो आज के लेक्चर में वो लेकर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ कैपिटल की एंट्री ही डालेंगे। तो 2,50,000 हमारी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। उसके बाद जो वो गुडविल नहीं लेकर आया, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक करंट अकाउंट ओपन करेंगे। करंट अकाउंट आप सभी को पता है कौन सा होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में हमारे में करवाया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देखो, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर हमें सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो और ये दिया हो कि नया पार्टनर इतने शेयर में आ रहा है और उसके अलावा कुछ ना दिया हो, तो हम ओल्ड रेशियो को ही हमारी सैक्रिफाइस रेशियो मान लेंगे। लेकिन इन केस अगर कुछ और दिया हो तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहां पर बना लेता हूं वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे पास ओल्ड रेशियो कितनी है और न्यू रेशियो कितनी है। हमने न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है।
तो सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमने पहले भी ये कर रखा है। तो 3/4 अगर हम बात करें ए की, ए के पास पहले शेयर था 3/4, अब कितना है 2/4, तो 1/4 का ए को क्या हुआ, सैक्रिफाइस हो गया। अब बी की बारी है, बी के पास पहले शेयर कितना था 1/4 एंड अब कितना है 1/4, मतलब बी ने ना सैक्रिफाइस किया, बी ने ना तो सैक्रिफाइस किया और बी ने ना ही गेन किया, जितना शेयर पहले था उतना ही अब है, मतलब जीरो सैक्रिफाइस एंड जीरो गेन, मतलब नो सैक्रिफाइस नो गेन। और अगर हम न्यू पार्टनर की बात करें, न्यू पार्टनर के पास पहले था जीरो, अब कितना है 1/4, तो उसके पास आ गया -1/4, मतलब न्यू पार्टनर हमेशा ही गेन करेगा, हर बार गेन करेगा। तो आपको न्यू पार्टनर का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रेशो साथ में आपको डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने के लिए तीनों का प्लस करना जरूरी है। ये नहीं सोचना आपने कि पहले दो पार्टनर थे तो वो हमने दोनों का ही ऐड करके डिनोमिनेटर बनाना है, तो आपको ऐड न्यू पार्टनर का भी साथ में करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास आ गया 1/4, सिर्फ ए ने सैक्रिफाइस किया और किसी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो गुडविल भी सिर्फ ए को ही मिलेगी। हमारी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, हम ए की कैपिटल में इसे ऐड कर देंगे। कितने रुपए को, कितना लेकर आना था उसने गुडविल के लिए, 10,000 रुपीज लेकर आने थे, तो 10,000 हमने सी के करंट अकाउंट में डेबिट कर लिए और ए को दे दिए। तो ये था हमारा कौन सा केस, अगर गुडविल कैश में ना लेकर आए, अगर गुडविल नॉट ब्रिंग, मैं यहां पर लिख रहा हूं गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, अगर गुडविल कैश में ना आए तो हमने क्या करना है, हमने करंट अकाउंट को ओपन करना है और हमने जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसे हमने वो गुडविल दे देनी है। तो ये था हमारा कौन सा केस कि अगर गुडविल कैश में ना आए, लेकिन अगर गुडविल आए तो सही, लेकिन अगर गुडविल आए तो सही, गुडविल ब्रिंग इन काइंड, काइंड का मतलब क्या है, कोई एसेट को लेकर आए, कोई सामान को लेकर आए, तो हमने क्या करना है, मान लो इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल ऑलरेडी लिख ली है कि पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन 3:2, दे एग्री टू एडमिट आर फॉर 1/4 शेयर, जो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन आगे क्या गिवन है कि ही पेड 30,000 फॉर कैपिटल, वो 30,000 कैपिटल के लिए लेकर आया, हाउएवर फॉर गुडविल ही गेव स्टॉक, उसने गुडविल के लिए पैसे की जगह हमें क्या दिया, एक तो स्टॉक दिया 10,000 का और एक दिया हमें फर्नीचर 5,000 का। तो हमने इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, पहले हमारे पास आया था सिर्फ कैश, लेकिन अब हमारे पास आ रही हैं तीन चीजें, कैश, स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने सभी को डेबिट कर लिया, टू सीज कैपिटल सॉरी आर्स कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमारे पास कैश कितना आया 30,000, हमारे पास स्टॉक कितना आया 10,000, 5,000 का हमारे पास फर्नीचर आया और आर की कैपिटल कितनी है 30,000 एंड 15,000 हमारे पास बच गया प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद हमने इसी प्रीमियम को अब किसको देना है, हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन है, पी एंड क्यू 3:2 में थे, नया पार्टनर आया 1/4 में, और इसके अलावा कुछ नहीं गिवन, तो हम क्या मानेंगे, हमारी ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, मतलब पी एंड क्यू दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं, टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल 15,000,
अगर आप 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 9,000 एंड 6,000, तो ये बनेगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसमें हमने दो टॉपिक किए आज, गुडविल ब्रिंग इन काइंड और गुडविल नॉट ब्रिंग इन कैश, मतलब गुडविल का पैसा वो लेकर नहीं आ रहा, तो हमने उस केस में क्या किया और इस केस में हमने क्या किया, हमने ये दोनों केस सीखे। तो हमारे इस लेक्चर में अभी तक का यही होगा। इसके अलावा हमारे अब दो टॉपिक, एक टॉपिक पेंडिंग रह गया है, एक तो न्यू पार्टनर गेट गुडविल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, एक तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर से गुडविल ले रहा है, और इसके अलावा हमने हिडन गुडविल और वैल्यूड गुडविल, मतलब ओल्ड गुडविल का ओल्ड गुडविल, रिकॉर्डेड गुडविल का ट्रीटमेंट भी अभी हमने करना है। तो ये दोनों साथ में, और एक तीसरा टॉपिक ये वाला हमारा ड्यू है, अभी इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन तीनों पर वीडियो बनाऊंगा और साथ में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी करवाऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की सारी वीडियोज को सीक्वेंस में देखें, आपको अच्छे से समझ आएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर।